माधुरी सुशील। गुड इवनिंग एवरीवन। कृष्णा अदिति समृद्धि। तो पानीपत युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट्स है। जैसे तोप, बाबर के साइड में तोपों का संचालन किया जा रहा था अली कुली के माध्यम से। बंदूक का संचालन किया जा रहा था मुस्तफा, ये इनके एक्सपर्ट। लड़ाई हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर के पास सारे सैनिक मिलाकर के 12,000 ही थे। और लोदी की सेना में 1,00,000 घोड़े और 1,000 हाथी थे। एक लाख घुड़सवार और 1,000 हाथी। तोपों का प्रयोग करने वाला एशिया का पहला शासक बाबर को ही माना जाता है। और इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इसके पहले कोई भी युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। इसके साथ साथ मैंने लोदी डायनेस्टी में आपको पढ़ाया था, ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत, यह भी युद्ध भूमि में मारा गया। पानीपत में ही बाबर ने ईंटों का मकबरा बनवाया और लोदी को दफना दिया। इसके बाद ही दिल्ली पहुंचता है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर जियारत करता है। चलो त्र्यंबक प्रीति वंदना। तुगलकाबाद के महल में रुका और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने पातशाह की उपाधि ली और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आगरा और दिल्ली में अकूत खजाना इनके हाथ लगा और आगरे के खजाने से, आगरा और दिल्ली दोनों के खजाने से इनकी आर्थिक गरीबी दूर हो गई, आर्थिक कठिनाई दूर हो गई। इसी खजाने में कोहिनूर हीरा भी था और कोहिनूर हीरे को बाबर ने भेंट कर दिया हुमायूं। दिल्ली में भी इतनी उदारता से इसने धन बांटा लोगों को कन्विंस करने के लिए कि लोग इसको कहने लगे कलंदर। मुफ्त का धन था, मिला था तो बांटना जरूरी था लोगों को कन्विंस करने के लिए। अच्छी बात यह थी कि इब्राहिम लोदी की फैमिली के साथ इसने दुराचार नहीं किया, इसको संरक्षित किया। लेकिन इसका फायदा उठाया इब्राहिम लोदी की माँ ने। माँ ने सेवा शुश्रूषा के बहाने बाबर के खाने में जहर मिला दिया। बाबर खाया तो लेकिन वो बच गया। बाबर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी और उसको ये हिंदुस्तान पसंद नहीं आ रहा था, वो चाहती थी काबुल वापस लौटना। लेकिन बाबर ने इतना बेहतरीन भाषण दिया कि उनको मना लिया। लेकिन दो अमीर थे, अमीर ख्वाजा कला और मीर मीरान, ये दोनों लौटे काबुल से, भारत से काबुल। ये पानीपत के तुरंत बाद की कहानी। अब भारत के मानचित्र में देखा जाए तो वर्तमान में उत्तर भारत में खासकर बाबर को अगर पूरे उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित करना था तो दो लोगों को नियंत्रित करना उसके लिए आवश्यक था। दो शत्रु बचे थे उत्तर भारत में इनके, पहला मेवाड़ के राजपूत और बिहार के अफगान। बाबर ने पहले योजना बनाई राजपूतों को निपटाने की।
16 मार्च 1526 को 27 को खानवा नाम की जगह पे, जो फतेहपुर सीकरी के पास ही है, आगरा के पास ही है, खानवा का युद्ध होता है। राणा सांगा ये सोचता था कि बाबर को लूट करके वापस लौटेगा, लेकिन वो यही हो गया और बाबर को इनवाइट करना राणा सांगा को भारी पड़ा। काबुल का एक ज्योतिषी था इन बिटवीन, मोहम्मद शरीफ, इसने भविष्यवाणी की कि बाबर राणा से हारेगा, लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी और सेनाओं को कहा कि ये युद्ध राज्य के लिए नहीं है, बल्कि ये युद्ध है जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए है, ये धर्म युद्ध है बेसिकली, और इस्लाम में कोई शराब पीने की मनाही है, तो इसने शराब छोड़ दिया, पीना खुद भी शराब छोड़ दिया। जितने भी मुसलमान प्रजा इसके अंतर्गत थे उनको व्यापारिक कर, एक होता है तमगा, तमगा से मुक्त कर दिया। अब सैनिकों को लगने लगा कि वाकई ये जिहाद है और सैनिकों में उत्साह आ गया। कुरान शरीफ की शपथ ली सैनिकों ने कि धर्म की रक्षा के लिए वो प्राण न्यौछावर कर देंगे, इस्लाम की खातिर अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब जो भी इनवाइटीज थे बाबर के, जैसे हसन खां मेवाती, महमूद लोदी जो कि सिकंदर का बेटा था, सिकंदर लोदी का, और आलम खां लोदी, इन दोनों तीनों ने राणा सांगा के पक्ष से युद्ध किया और इसमें भी बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुगलमा के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में समझाया, तुगलमा होता क्या? हाँ जी, राजपूत तो बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन फिर भी बाबर जीत गया, क्योंकि राजपूत टेक्निकली एडवांस्ड नहीं थे जैसे मुगल थे। राणा सांगा बहुत घायल हो गया, बेहोशी में उसके सैनिकों ने युद्ध क्षेत्र से हटा दिया और जीत के बाद खोपड़ियों की, हिंदू शरों की का ढेर लगाया गया, काफिरों के शरों को बीच में इकट्ठा करके ना चारों तरफ उसका उत्सव मनाते थे और गाजी की उपाधि लेते थे। ये एक परंपरा थी, क्रूर परंपरा थी, लेकिन बाबर ने भी ऐसा किया। ये परंपरा बेसिकली मंगोल परंपरा थी। तो इस तरह से पानीपत के युद्ध ने बाबर को हिंद पर अधिकार दिया और खानवा के युद्ध ने इसको स्थिरता प्रदान की। इसके बाद बाबर ने सैनिकों को काबुल जाने की आज्ञा प्रदान कर दी और हुमायूं को बदख्शां का प्रशासक बना दिया। तो यहां तक बात समझ में आई अथवा नहीं आई? आज बड़े आराम आराम से ज्वाइन कर रहे थे, क्या बात है, 15 मिनट हो गए ज्वाइन ही किए जा रहे हो। कहां बिजी थे सभी? टू द पॉइंट, जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कहानी तो बड़ी लंबी है। बाबर समरकंद पर अधिकार करना चाहता था, तैमूर की राजधानी समरकंद थी, ओके दे मित्रा, क्या बताया आपने? बोल नहीं आया, नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है। बाबर शिया मत का अनुयायी बना, वह ईरान से सहायता चाहता था।
अरे वाह, वेरी गुड, इंटायर प्लेटफॉर्म, ये तो ज्यादा ही हो गया। बाबर के संदर्भ में इन कथनों में से क्या सत्य है? बाबर दौलत खान लोधी को अपना पिता कहता था। दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। दौलत खान ने बाबर का सहयोग लिया। बाबर पहले दिल्ली आक्रमण में पराजित हुआ था। इसके बाद मैंने बताया कि भाई पोल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क इशू होगा मुझे लगता है आपका। दूसरा जो महान युद्ध है 29 जनवरी 1528 को हुआ, जिसे कहते हैं चंदेरी का युद्ध। उनतीस जनवरी 1528 और इसका शासक था राजपूत मेदिनी राय। तो बाबर जीत गया इस युद्ध में भी और पराजित स्थिति में स्त्रियों ने जौहर कर लिया। मेदिनी राय भी बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को उपलब्ध हुआ। ये युद्ध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर के पक्ष से पहली बार इतिहास में शेर शाह सूरी लड़ते हुए यह युद्ध पाया गया। बाबर के पक्ष और बाबर इसको भी जीता क्योंकि बाबर ने इसमें भी जिहाद का नारा दिया था और इसमें भी वही काम किया। जीत के बाद शिरों का स्तंभ बनाया, लेकिन एक गलत काम यह किया कि मेदिनी राय की दो बेटियां इसको प्राप्त हुई थी, एक को हुमायूं को दे दिया और दूसरी को कामरान को दे दिया। जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध, वह युद्ध जो बुराई को समाप्त करने और अच्छाई की स्थापना के लिए किया जाता है। आंतरिक जिहाद भी होता है, बाह्य जिहाद भी होता है। जिहाद के दो अर्थ है, एक जिहाद होता है जो हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करके वहां अच्छाई लाते हैं, दूसरा जिहाद होता है कि बाहर की बुराइयों को समाप्त करके वहां पर अच्छाई लाते। आंतरिक जिहाद तो बड़ा मुश्किल है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों की गलती सबको दिखती है अपनी गलती दिखती नहीं, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिले कोई, जो मन देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई, तो दूसरों को ही मार रहे हैं लोग जिहाद के नाम पर। तो ये जिहाद का एक निकृष्ट वर्जन है, दूसरों को मारना। जिहाद जैसे हिंदुइज्म में जिस चीज को कहा जाता है साधना तपस्या, वो भी जिहाद है। तो
इन लोगों ने इस टर्म को यूज किया है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, लाइक बाबर और इस तरह के लोग। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। और ये पॉलिटिशियन शुरू में ही यूज, मतलब बहुत पहले से यूज करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, मैंने बताया था कि अफगान भी एक बड़ी शक्ति थी, इसको कहते हैं घाघरा का युद्ध। बाबर और अफगानों के बीच हुआ, इसमें बाबर जीत गया। ये बाबर का अंतिम युद्ध था और जिसको हराया ये महमूद लोदी था। महमूद लोदी उस समय बिहार में अफगानों का सरदार था। बिहार के साथ साथ बंगाल भी बिहार से ही जुड़ा हुआ है और बंगाल का शासक नुसरत शाह, इन दोनों ने बाबर के विरुद्ध युद्ध किया, दोनों हार गए। इस महमूद लोदी को थोड़े दिन के लिए राणा सांगा ने दिल्ली का सुल्तान भी स्वीकार कर लिया था। अच्छा, ये पहला युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो नदी में भी लड़ा गया था, जल और थल दोनों में लड़ा गया था। लेकिन इस घाघरा के युद्ध के बाद अफगान शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। नहीं, उनको अपनी रखेल बना लिया, शादी नहीं, दासी बन गई। बंगाल का शासक नुसरत शाह जब देखा कि बाबर जीत गया है तो बाबर से इसने संधि कर ली। तो ये तीन युद्ध बाबर ने लड़े और लगभग पूरे उत्तर भारत में, उत्तर भारत के मुख्य मुख्य इलाकों में अपना अधिकार किया। हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था, बाद में हुमायूं को बदख्शां से ट्रांसफर करके इन्होंने संभल की जागीर दे दी। संभल कहाँ है किसी को पता है? राजस्थान। लेकिन यूपी में ना, संभल आते ही हुमायूं संभलना तो दूर डमाडोल हो गया, बहुत ही बीमार पड़ गया। लग रहा संभल की जलवायु उसको सूट नहीं की। पूरे दुनिया से हकीमों को बुलाया गया लेकिन इलाज नहीं होता है, और बीमार पड़ता गया पड़ता गया पड़ता गया। अंतिम में बाबर ने खुदा से इल्तिजा की कि उसकी जान ले ले और उसके बेटे की जान बख्श दे। और चमत्कार हो गया कि हुमायूं जीवित हो गया और बाबर बीमार हो गया, और फिर इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया बाबर। हेलो नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मैं आपसे दो प्रश्न कर सकता हूँ? सर जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर बाबर को आमंत्रित किया था राजस्थान के मेवाड़ शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए। सर मेरे पास अभी एक पुस्तक रखी हुई है, डॉक्टर कालूराम शर्मा की मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। सर इसके अंदर राजस्थान के सर इतिहास का डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने सर 6 तर्क प्रस्तुत किए हैं कि सर जो सर ये तर्क है कि राणा सांगा ने अपना कोई दूत बाबर के पास भेजा था, सर ये तर्क निराधार है। और सर इसके साथ साथ सर डॉक्टर कुमारी वन्ना पाराशर भी सर उनका सर एक शोध ग्रंथ है बाबर भारतीय संदर्भ में, सर वो भी ये मानते हैं कि बाबर के पास राणा सांगा ने सर कोई दूत नहीं भेजा था। सर सर मैं आपको कुछ सर उनके तर्क पढ़ के सुनाता हूँ। सर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि बाबर के अलावा किसी भी अन्य समकालीन इतिहासकार ने राणा सांगा द्वारा बाबर के पास अपना दूत भेजने का कोई उल्लेख नहीं किया है। सर वो एक तर्क और ये देते हैं कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर राणा सांगा को सांगा के सहयोग की आवश्यकता थी, ना कि सांगा को बाबर की। और सर तीसरा तर्क वो देते हैं कि राजपूतों के साथ जो परंपरा है उसके साथ भी बात मेल नहीं खाती है कि भाई शक्ति से सहायता प्राप्त करने के लिए सामान्य विरोधी रहे थे। सर और सर अगर पहला देखा जाए सर एक परिप्रेक्ष्य, तो सर जो 1518 का सर जो खातोली का युद्ध हुआ था सर राणा सांगा और सर इब्राहिम लोदी के बीच में, तो सर उस युद्ध के अंदर भी सर राणा सांगा जो विजय हुई थी उनकी और सर जो इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे, तो सर किसकी बात सर स्वीकार या सर मानी जाए कि वास्तव में सर बाबर सही कह रहे हैं या सर ये जो बाद में शोध किए गए इतिहासकारों के द्वारा या सर इनका शोध सही है? पहली तो बात यह है कि बाबर ने नहीं एडमिट किया कि हमें राणा सांगा ने बुलाया था, ये वामपंथी इतिहासकारों ने बताया है कि राणा सांगा ने बुलाया था। लेकिन अभी बहुत सारे राष्ट्रवादी इतिहासकार भी निकल के आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। और एग्जैक्टली कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलता है पूरे किसी भी स्रोत में, चाहे मुगल स्रोत की बात करें, राजस्थानी स्रोत की बात करें, कि राणा सांगा ने एग्जैक्टली बुलाया था। लेकिन बाबर राणा सांगा की तारीफ करता है किताब में, वो बाबरनामा में, ये बात सही है।
तारीफ करना एक अलग विषय है, तारीफ उसकी बहादुरी के कारण भी करता है, उसके रण कौशल के कारण भी करता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसने बुलाया था। तो तारीफ से यह निष्कर्ष निकाला गया उसकी दोस्ती थी, तो ये निष्कर्ष भ्रामक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं आपकी तारीफ करने लगूँ और आपसे मैं लड़ाई बाद में करूँ, शुरू में तारीफ करूँ, और जो हमारे कॉमन एनिमी है उनसे आपकी भी लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है, तो एक इतिहासकार क्या करते हैं ना कि इंटरप्रेट करते हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन। लेकिन राजस्थान में और खासकर साउथ इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें इतिहासकारों ने इस विचार को डिस्कार्ड किया है, खासकर जो प्रो हिंदू हिस्टोरियोग्राफी है या प्रो राजपूत हिस्टोरियोग्राफी है। हर इतिहासकार मानता है कि राणा सांगा का दूध बाबर से मिला था, ये मानता है, लेकिन इस बात को किसी ने नहीं उठाया, ना ही किसी ने महत्व दिया। और इस तरह से जैसे अभी भी बहुत सारे हिस्ट्री के शोध आए हैं जिसमें हम पढ़ते थे जयचंद ने गद्दारी की, भी ने शंकर को हेल्प किया, मान सिंह, जय सिंह, इन लोगों ने गद्दारी किया, इस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये किया कि इस चीज को नरेट किया गया है। सबसे ऑथेंटिक रिसर्च है जेम्स टॉड की राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जितना प्रमाणिक इतिहास जेम्स टॉड ने लिखा है ना वैसा किसी ने नहीं लिखा है। लेकिन जेम्स टॉड ने कहीं भी ये चर्चा नहीं की है कि राणा सांगा ने बुलाया था। आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की मुगलकालीन भारत एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, वो भी इस चीज को डिस्कार्ड करते हैं कि बुलाया था। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, सर दो इतिहासकार हैं सर पाश्चात्य, एक का नाम है सर रशबुक विलियमसन और सर एक है एस्काइन, सर इन दोनों ने सर अपनी अपनी किताब क्रमशः एन एम्पायर बेगर ऑफ द सिंथ सेंचुरी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर सर राणा सांगा पे सर विश्वासघात का आरोप लगाया सर। वो कहते हैं कि सर बाबर नामा में बाबर अपनी सर आत्मकथा में एक उल्लेख करते हैं कि जब सर बाबर सर जब सर सांगा जो इब्राहिम लोदी को हरा के सर सब जब दिल्ली पे जाएंगे तो सर बाबर आगरा सांगा अपनी सेना लेकर के आगरा की तरफ कूच करेंगे राणा सांगा, जो कि सर उन्होंने किया नहीं। तो सर ऐसा मान सकते हैं क्या कि सर जब आजादी से सर पहले जब औपनिवेशिक इतिहासकारों और सर जब राष्ट्रवादी इतिहासकारों के सर बीच सर जब मतभेद स्टार्ट हुए थे सर, तो सर ये उसका भी परिणाम कहा जा सकता है क्या सर कि उनके जो सर औपनिवेशिक इतिहासकारों ने सर जो इतिहास लिख दिया था बाद में सर उसे लगभग आजादी के 15-20 साल बाद चलाया गया, तो सर इसके कारण इस विषय पर सर उस समय शोध सही से नहीं हुआ, तो सर आने वाले समय में सर इस विषय को सर और मुखरता से लिया गया। एक्चुअली देखो इतिहास एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है सदियों से, वो मनस को बदलने के लिए, जो एक विराट जनमानस है, एक व्यापक जनमानस है, उसकी मानसिकता को बदलने के लिए, उसकी मानसिकता को डील करने के लिए इतिहास की रचना होती रही है शुरू से ही। और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत के स्वाभिमान को निम्न साबित किया है। औपनिवेशिक इतिहासकार एक तो वो मैकाले खुलेआम कहता है ना कि भारत का पूरा सभ्यता संस्कृति और ज्ञान दो कौड़ी का है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो इंग्लैंड की किसी छोटी सी लाइब्रेरी की अलमारी की जो किताबें हैं वही ज्यादा है, पूरे के पूरे भारत और चाइना के ज्ञान को मिला दिया जाए तो पलटा इंग्लैंड की अलमारी की एक्सेल की किताबों का भारी। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति ये थी कि किसी के आत्मसम्मान को चोट करते 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 उन पर हुकूमत किया जा सकता है। अगर आप किसी के आत्मसम्मान को कुचल दो तो बड़े आराम से उनको अपने इशारों पर नचाया जा सकता है, ये बड़ा ही सिंपल सा तर्क। और पूरे के पूरे कौम के आत्मसम्मान को कुचलना हो तो उनको इतिहास में जाकर के, अब कौन शोध करता है कि अतीत में क्या हुआ था, वर्तमान तो संभलता नहीं, अतीत में कौन जाएगा, तो उनके इतिहास में जाकर के उनके आत्मसम्मान पे आघात करो कि आप तो पैदाइशी गंवार हो, आपके अंदर तो गद्दारी पैदा होते हैं, आपके जो हीरोज हैं वो तो गद्दार थे, उन्होंने तो बाहर से इन्वाइट किया था लोगों को भारत में शासन करने के लिए, तो हम भी बाहर से आकर के शासन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या बुराई है, ये तो आपकी परंपरा रही है। अभी ये री नरेटिव चल रहा है, आर्यंस की जो थ्योरी थी उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, आर्यंस को भी मतलब भारत में जो भी ढंग का बंदा आया वो भारत का कभी रहा ही नहीं, ओवरऑल पूरा इतिहास आप पढ़ के देखिए कि भारत में जिसने भी कुछ इनोवेट किया है, जिसने भी कुछ एक 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 ब्रेक थ्रू लाया है वो भारत का था ही नहीं। आप ही से मैं पूछता हूं कि वैदिक संस्कृति लाए आर्यंस, लाए आर्यंस भारत के थे ही नहीं, ठीक है, पहला सिक्का किसने चलाया, ग्रीकों ने चलाया, इंडो ग्रीक ने, वो भारत के थे ही नहीं, पहला शुद्ध सोने का सिक्का कुशानों ने चलाया, वो भारत के ही नहीं, सिक्कों पे तिथि लिखने की परंपरा, कैलेंडर वगैरह या ग्रहों के नाम इत्यादि जो परंपराएं चली वो भारत के थे ही नहीं, कुषाण भी नहीं थे, हिंदेवन भी नहीं थे, शक नहीं थे, पूर्ण नहीं थे, ये सब बाहर से आए हुए और इन्होंने ही इनोवेशन किया। सिर्फ गुप्त एम्पायर को हटा दीजिए, गुप्तों को भी कहा जाता है कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के ही वो सामंत थे। एक लगता है एक ओवरऑल, देखो इसमें प्रमाण तो नहीं है किसी के पास, प्रमाण ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक ओवरऑल पूरी धारा को हम देखते हैं तो लगता है कि ये कुछ ना कुछ डिफेमेशन की साजिश चल रही है इंडियन इंडिजीनियस इंटेलिजेंसिया की, तो ये विवाद का विषय है। अब इस विवाद में हम पढ़ेंगे तो जेआरएफ हमारा नहीं होगा, नेट हमारा नहीं होगा, तो इस विवाद को हम तब टैकल करेंगे जब हम रिसर्च करेंगे और हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट पर मंथ आने लगेगी जेआरएफ के रूप में, तो बेहतर है ये विवाद।
अभी से लगोगे कि ये भी बात सोच नहीं, तो फिर अभी हमको जो स्टैंडर्ड बुक्स में फैक्ट्स हैं उसको ध्यान देना है, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य है सत्य की प्राप्ति से ज्यादा परीक्षा क्लियर करना। इमीडिएट एक एम होता है परीक्षा क्लियर करना, और एक थोड़ा सा दूरगामी लक्ष्य होता है वो सत्य की प्राप्ति। तो सत्य की प्राप्ति को थोड़ा सा होल्ड में रखो, एक बार जब आपके पास पावर आएगी, डिग्री हो जाएगी, फिर आप रिसर्च करते रहिए, ठीक है। और हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। हिस्टोरियोग्राफी में हमने पढ़ा भी है कि जो हम सोचते हैं वही हमारा इतिहास, जो हम इंटरप्रेट करते हैं वही हमारा इतिहास, हमारा एक्सप्रेशन ही हमारा इतिहास, हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन ही है। उसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिस्ट्री छोड़ दीजिए, ये जीवन ही आपका इंटरप्रिटेशन है, जीवन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं वही जीवन है। संसार या आपका जीवन वो नहीं है जो आपको मिला हुआ है, संसार या जीवन वो है जो आप उसको कैसे लेते हैं, कि लेना आपके हाथ। हाँ, इसके बारे में तो मैं आपको बता ही दिया, कर्नल टॉड की, वो भी अंग्रेज थे, उन्होंने ही नहीं उल्लेख किया है, तो दूसरों की हम क्या बात करें। ओके आदित्य, तो हम कहाँ थे, यहाँ थे। तो हुमायूं स्वस्थ हो गया, बाबर बीमार हो गया और बाबर मर गया, और अपनी मृत्युशैया पर ही हुमायूं को उसने अपना उत्तराधिकारी मिला। तो ये काबुल में बाबर को दफनाया गया है, काबुल में बाबर का मकबरा है, और उसकी मौत हुई है 26 दिसंबर 1530 को। तो ये तो एक सर्वमान्य तथ्य है, लेकिन गुलबदन बेगम बाबर की मृत्यु का कारण अपनी किताब हुमायूं नामा में इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा उन्हें विष देना लिखा है। अलग अलग इस पर भी ओपिनियन है कि मरने वाला कैसे मरा। जैसे आर एस शर्मा कहते हैं कि बीमारी से मरा, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में मरा, कुछ लोग कहते हैं आगरा में मरा, चैन से मरने भी नहीं देते। और शेरशाह के शासनकाल में इसकी अस्थियों को उसकी विधवा मुबारक यूसुफ जई ले गई काबुल, और काबुल में दफना दिया एक बगीचे में। आरशम ऐसा सोमन, ये बाबर की कब्र है काबुल में। इंदिरा गांधी जब काबुल विजिट पे गई थी तो यहां गई थी देखने। लेकिन शेरशाह के शासनकाल में इसको ले जाया गया। तो ये वैज्ञानिक भी था, शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन बयाना और धौलपुर के बीच चंबल घाटी में अपनी आत्मकथा में लिखता है कि चंबल घाटी में गांव वाले खजूर से ताड़ और शराब बनाते हैं, उसकी विधि का वर्णन करता है। बाबर का वजीर था निजामुद्दीन खलीफा, ये मुगलों का पहला वजीर कहा जाता है। हुमायूं को इसने ताकीद किया था कि कभी भी हिंदुओं पर इस्लाम मत थोपना और गो हत्या मत करना। भारत में ताश का खेल प्रचलित करने का श्रेय बाबर को जाता है, प्लेइंग कार्ड्स। और इसने एक भाषा भी इन्वेंट की थी, उज़्बेकी तुर्की। इतनी लड़ाई के बाद, इतने भटकने के बाद इसको इतना टाइम मिल गया, और इस भाषा के इन्वेंशन में इसके एक दोस्त का भी कंट्रीब्यूशन था, अली शेर नवाई। अपनी आत्मकथा में बहुत सारी चीजें लिखता है, जैसे काबुल और समरकंद की जलवायु को बहुत अच्छा बताता है। और इसके साथ भारत में बहुत सारे कवि भी आए, मिर्जा हैदर दौलत, अबुल वाहिदी फरीगी, नादिर समरकंदी, एक इतिहासकार भी आया था जैनुल आबिदीन ख्वाफी। इसने फलों में आम को
और जानवरों में हाथी को श्रेष्ठ कहा है। लेकिन एक बात बड़ी इसने गलत करी अपनी आत्मकथा में, कहता है हिंदुस्तानी सुंदर नहीं है। सारे भौतिक प्रेत इससे मिलेंगे। लेकिन एक बात सही कही कि हिंदुस्तान में असंख्य कारीगर है, कारीगरों का देश, लोग बड़े अच्छे से चीजों को बनाते हैं। और कहता है कि उसे तैरने का इतना शौक था कि उत्तर भारत की सभी नदियों को यह तैर करके पार कर चुका है, गंगा नदी को भी तैर करके पार कर चुका है। एक बार हद तो तब हो गई कि जब ये पता चला कि इन्होंने भारतीय दर्शन, जिसको लॉजिक रीजनिंग कहते हैं, न्याय शास्त्र, इस पर भी एक किताब लिखी है। मतलब फिलोसफर भी था, कोई गुण नहीं था जो इसके अंदर नहीं था, सर्वगुण संपन्न था। बाबर नक्शबंदी सूफी को मानता था, वह सूफी उबैदुल्ला एरार का शिष्य था। खानवा युद्ध के पहले बाबर की जीत अधूरी थी। राजपूत उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके चार पुत्र थे बाबर के, इसमें भी ये पीछे नहीं हटे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा। और ये चारों थे एक नंबर के गद्दार, आपस में ही लड़ते रहे। चूंकि हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए इसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये बाबर का पूरा एपिसोड है। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, क्योंकि आज का टर्म हुमायूं का ही था। ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, जिसका मकबरा इतना बेहतरीन है वो खुद कैसा होगा, होता होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, मैं यहाँ घंटों बैठा रहता था जाके। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। क्या डिंग क्लास, मैं कहा हूं अब क्या चाहती हूँ, मैं भी मकबरे में रहूं अंदर, ऐसे ना सोचो मैं बैठा हूँ इधर। कैसी बात करते, और ये मिस्टर हुमायूं, इनको देख करके ही लगता है कि थोड़े से ये गमगीन है।
ये मुगल पेंटिंग्स के नमूने हैं। मुगल पेंटिंग ऐसे की जाती थी, पत्थर को पेड़ को ऐसे बनाए जाते थे जैसे कॉटन का ढेर लगा हुआ है। और देखो उस जमाने में मुगल पेंटिंग में ना वो 3D नहीं था, मतलब 3D इफेक्ट की दूर और पास के लिए ये यूज करते थे। एक ही पेज पे पूरी घटना को ऊपर से नीचे तक ये डिराइव करते थे। जहांगीर के समय में डिस्टेंस 3D इफेक्ट यूज किया जाने लगा। ये हुमायूं की असली पेंटिंग है, मुगल पेंटिंग। और बाबरनामा में इनकी एक तस्वीर बनी हुई है जिसको बाबर ने पेंट करवाया था, वो ये नहीं है। ये घोड़े को फ्राक पहना दिया है और तीर ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे घोड़े को खुजला रहे हैं। तीर ऐसे पकड़ा जाना चाहिए, इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ। अब कारण नहीं है, जिंदगी भर लड़खड़ाते ही रह गए। कोई कलम है? हाँ, गंभीरता से नहीं काम किया था वो, थोड़े से मंगोलियन बियर्ड होते थे। नहीं नहीं बनाने वाले भारतीय नहीं है। तो इन महापुरुष का जन्म हुआ है 6 मार्च 1508 काबुल में पैदा हुए। इनका असली नाम है, कौन बताएगा असली नाम? नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनकी माता थी महम बेगम। 1530 में गद्दी पर बैठ गए, 30 दिसंबर 1530 को, न्यू ईयर आने के 2 दिन पहले। और इनके टीचर थे मौलाना मसीह अल्दीन रहुल्ला और मौलाना इलियास। इन्होंने फारसी भाषा में बहुत सारे पोएम लिखे हैं। तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर, और गणित, दर्शन, ज्योतिष और खगोल और चित्रकला इनमें बड़ी इनकी रुचि थी। 12 साल की उम्र में बदख्शां के प्रशासक बने, संभल के फिर बने, कोहिनूर हीरा इनको मिला और आगरा में ताजपोशी मिली। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान। और इनको बादशाह बनने में 4 दिन का लेट हो गया, क्योंकि तबकाते अकबरी में लिखा हुआ है कि बाबर का जो वजीर था निजामुद्दीन, वो बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बनाना चाहता था बादशाह, लेकिन बाबर के वसीयत में तो हुमायूं का नाम इधर। किसकी माता? ये लिस्ट दी हुई माता है महम बेगम। अब गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन इतनी चुनौतियां इनके सामने थी। साम्राज्य भी असंगठित था, पैसे की प्रॉब्लम थी, इनके पापा जी ने सबको बांट दिया, कैलेंडर कैलेंडर हो गए, अमीर षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर, भाई दुश्मन अफगान अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, गुजरात और बंगाल तो हमेशा से सिरदर्द रहा, 3 सिरदर्द रहे हैं दुनिया में, मंगोल, गुजरात और बंगाल, और सबसे बड़ा सिरदर्द था शेर खां। ये पहले मुगलों की सेवा में था, चंदेरी की लड़ाई में मुगलों की तरफ से लड़ा था, लेकिन बाद में इसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि क्यों ना हम ही बन जाएं। अब इन नाना प्रकार की चुनौतियों को इन्होंने टैकल कैसे किया बताइए। लेकिन एक और सबसे बड़ी चुनौती थी कि इनके अंदर गुड़ ही नहीं था राजा बनने का, मटेरियल ही नहीं था, राजनीतिक गुड़ था ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, तुगलक को जो बीमारी थी इनको भी थी, एक काम को कंप्लीट किए बिना दूसरा काम शुरू कर देते थे। ये बीमारी तुगलक को भी थी, एक काम को कंप्लीट किए बिना दूसरा काम शुरू कर देना। और अपने भाइयों में, छोटा सा तो राज्य था, अपने भाइयों में बांट दिया था, सोचा समझा कुछ नहीं। अस्करी को संभल दे दिया जहां पे खुद संभला नहीं था, हिंदाल को अलवर, कामरान को काबुल और कंधार, और चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को बदख्शां।
द एम्पायर में एक दो एपिसोड देखने की कोशिश किया, मैं देख नहीं पाया, मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा। हुमायूं के संदर्भ में इन कथनों में से क्या सत्य है? 12 साल की उम्र में ये बदख्शां का सूबेदार बना। बाबर ने वसीयत से हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मेहंदी ख्वाजा को मुगल वजीर ने बादशाह बनाने का षड्यंत्र किया। शेरशाह मुगलों के खिलाफ चंदेरी युद्ध में लड़ चुका था। तुम लोग सभी पाते हो तो तुम सभी मार देते हो। तुमको क्या लगता है देखने योग्य है वो आदित्य? ये हुमायूं शाह तहमास्प के दरबार में गया है, ईरान के शासक के पास। ये उसकी पेंटिंग है। रुको, इस बार पोल देने के पहले रिफ्रेश करके देंगे। हाँ, डांस वांस पूरा ए ए ए क्या लगा रहे हो? अच्छा, तो सबसे कपटी निकला कामरान, कौन से कपटी? और कलिंजर का युद्ध अभी आगे होगा, लेकिन जब उसमें लगा था हुमायूं तो कामरान पंजाब पर अधिकार करने लगा, तो हुमायूं ने उसको पंजाब, मुल्तान और हिसार डोनेट कर दिया कि ले जाओ, अधिकार करने की जरूरत नहीं। अब यही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उत्तर पश्चिम से सारा संपर्क इसका टूट गया। क्वेश्चन 4 में ये तीनों सही है, 1, 2, 3। ये गलत है। शेरशाह मुगलों के खिलाफ चंदेरी युद्ध में नहीं लड़ा था, मुगलों के पक्ष में लड़ा था, यानी बाबर के पक्ष में लड़ा था ना। इसलिए चौथा गलत। अब हम हुमायूं के युद्धों की बात करेंगे। पहली लड़ाई इसकी होती है कलिंजर। कलिंजर है बुंदेलखंड में। और यहां के राजा है प्रताप रुद्रदेव। ये अफगानों के पक्ष में रहते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो इस पे बाबर ने अटैक किया, हुमायूं ने अटैक किया, लेकिन हार जीतने हुई संधि हो गई। इसी समय जब हुमायूं कलिंजर पे अभियान कर रहा था, तो कामरान कहां का प्रशासक था? मैंने कहां का बताया था? काबुल का। तो कामरान ने आगे बढ़कर के पंजाब पर अधिकार करना चाहा। इसी वजह से हुमायूं को वापस लौटना पड़ा और इसने अपने भाई को दे दिया, पंजाबी दे दिया। ये इसकी बड़ी भूल थी। जब वापस लौटा तो कलिंजर के पास ही है चुनार। चुनार पर अधिकार कर लिया शेर खान ने।
और कामरान ने फिर पंजाब पर अधिकार तो कर ही लिया। और इससे दुर्बलता भी स्पष्ट हो गई हुमायूं की, इसके भाई ही इसके पक्ष में नहीं है। बिहार में महमूद लोधी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये पहला युद्ध है। एक साल बाद दूसरा युद्ध हुआ, दोहरिया का युद्ध। दोहरिया भी यही है, अफगानों से इसका पहला मुकाबला था। यानी महमूद लोधी और हुमायूं, और इसमें हुमायूं जीत गया। तो राहा नहीं पता, दोहरिया पता है। लेकिन चुनार पे ऑलरेडी शेरशाह सूरी का जो अधिकार था, ये बाबर के लिए टेंशन का विषय था, क्योंकि बनारस के ही निकट चुनार था और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट किला था। इसको पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता था और शेरशाह की शक्ति बढ़ती जा रही थी, शेरशाह की शक्ति पे अंकुश लगाना जरूरी था, इसलिए बाबर ने इस पर अटैक करने की सोची। लेकिन सोचा कि ये तो बंदा हमारे ही पापा के साथ लड़ा था, तो इसे संधि कर दी। लेकिन ये संधि दूसरी हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी कि दुश्मन से संधि नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का। हाँ, मिर्जापुर वाला है। गुजरात का शासक उसमें बड़ा शक्तिशाली हो गया था, बहादुर शाह। कहा जाता है कि बहादुर शाह आगरे पर अटैक न कर दे दिल्ली पर, इसीलिए हुमायूं ने एक शहर बनाया था दीनपनाह, ताकि जब वो अटैक करेगा तो दीनपनाह में आश्रय लेकर के इसका मुकाबला करेगा। खैर, 1535 में गुजरात युद्ध होता है। 1535 और 36 में बहादुर शाह और हुमायूं में, हुमायूं जीत जाता है। यहाँ पे एक कहानी भी प्रचलित है कि जब बहादुर शाह चित्तौड़ में व्यस्त था तो वहां की रानी करमावती ने हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं ने इसकी कोई सहायता नहीं की। ये भी हुमायूं की एक तीसरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि राजपूतों का समर्थन खो दिया गया था। लेकिन शेर खां से संघर्ष अभी बाकी था। बाबर ने बहुत पहले हुमायूं को बताया था कि अफगान बड़ा ही चलाक, इससे सचेत रहना। दक्षिणी बिहार में चुनार का शासक तो था ही, और इधर के इलाकों को जीतना शुरू किया, बंगाल को जीत लिया लगभग, और बहुत सारा पैसा लिया, धन हासिल किया। हुमायूं ने जब ये बंगाल की तरफ शेर खां बढ़ा तो हुमायूं ने चुनार पर अधिकार कर लिया, मौका पाकर मौके पर चौका मारा। शेर शाह देखा कि मेरा प्यारा चुनार चला गया, तो उसने हुमायूं से कहा कि भाई हम तो पहले भी दोस्त हुआ करते थे, आओ संधि कर लो। हुमायूं ने सुना ही नहीं और बंगाल पर अटैक कर दिया। बंगाल पे उस समय सबसे इंपॉर्टेंट था गौड़। गौड़ का नाम बदल करके इन्होंने कर दिया जन्नताबाद। जन्नत था ही गौड़, बंगाल की आबो हवा कुछ ऐसी है, देवमित्रा को पता होगा। जन्नताबाद में जब पहुंच गया तो वहां लगा ऐश करने, रास रंग याशी को मच्छी भात खाने लगा, नाच गाना शराब इंजॉयमेंट। लेकिन शेर शाह सूरी ने इस टाइम का उपयोग किया और लाइन से इधर का इलाका जो खाली बचा था उसको जीतना शुरू किया। बनारस, कड़ा मानिकपुर, कन्नौज, संभल, इन पर शेर शाह सूरी ने अधिकार कर लिया। उठो, जहांगीर कुली बेग, उधर शेर शाह भी अपना बढ़ा रहा है, उधर तुम्हारे भाई ने तुम्हारा अधिकार कर लिया। तब हुमायूं की नींद खुली और बंगाल का दायित्व जहांगीर कुली बेग को सौंप करके वापस आगरा की तरफ भागता है। लेकिन बीच में शेर शाह सूरी चौसा में रोक लेता, कहता कितने कहां चले, पहले हमसे मुकाबला तो करो,
26 जून 1539 को लड़ाई हुई और हुमायूं हार गया। इसे कहते हैं चौसा का युद्ध, शेरशाह और हुमायूं के बीच। अब यहां भी शेरशाह ने बड़ी स्ट्रेटजी लगाई थी, एक कर्मनाशा नदी बहती है चौसा के पास बिहार में, और ये गंगा नदी बहती इधर। हुमायूं की सेना यहाँ बीच में खड़ी थी, गधे को ये भी नहीं मालूम था कि हम कहाँ खड़े, बरसात का मौसम आने ही वाला था, और शेरशाह की सेना यहाँ खड़ी थी। अब बिहार में तो आज भी बाढ़ आती है, सब बह जाता है, उस जमाने में भी बाढ़ आई और इसकी सेना डूब के बह गई। किसी तरह से भिस्ती ने इसकी जान बचाई, इसका नाम था निजाम। फरिश्ता कहता है कि इसी की एवज में इसको आधे दिन का बादशाह बनाया था। शेरशाह इस तरह से बिना लड़े ही जीत गया युद्ध चौसा का, और इसी चौसा के युद्ध में जीत के बाद शेरशाह सूरी ने शेर खां पहले कहा जाता था ना, अब शेरशाह कहा जाने लगा, शाह, खुद को सुल्तान घोषित किया इसे। नहीं, प्लेटो जो दार्शनिक की बात करते हैं, दार्शनिक कायर और मूर्ख दार्शनिक नहीं होता, दार्शनिक दो प्रकार के होते हैं जीवन में, एक जो जीवन से पका हुआ व्यक्ति है, दर्शन जीवन ने उसको सिखाया है, वो दार्शनिक है, वो पलायनवादी नहीं है, जीवन के संघर्ष में खड़ा होकर के वो काम कर रहा है। दूसरा दार्शनिक है जीवन से भागा हुआ है और किताबें पढ़ रहा है, पोती पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हुए, जीवन के आपाधापी में, सुख दुख में, उतार चढ़ाव में जो परिपक्वता आती है, प्लेटो उस दर्शन की बात कर रहा है। दर्शन का मतलब होता है एनकाउंटर, फेस करना, चुनौतियों को फेस करना। होता क्या है कि जब चुनौतियां आती हैं तो ऐसे भी युवा आपने देखे होंगे अपने जीवन में कि वो आत्मा परमात्मा की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, उनको निकालना है नेट और JRF, तो चिंतन करने लगते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में। तुमको नहीं कह रहा, मैंने ऐसा देखा है, वो पलायनवादी लोग हैं। अब उनको ये है कि सामने की चुनौतियों को फेस तो कर नहीं पा रहे, तो कहते हैं तो मिथ्या है, माया है, किसी काम का नहीं, इसमें पढ़ना ही क्यों, क्यों इसमें इन्वॉल्व होना, जो झूठ ही है, जो मिट ही जाना है, उसमें सर क्यों मारना, परमात्मा सत्य है। तो लगेंगे आध्यात्मिक किताबें पढ़ने, विवेकानंद, ओशो, जय कृष्णमूर्ति, शरगुरु की किताबें, रविशंकर की किताबें पढ़ पढ़ के प्रमुदित होंगे। तो ये हुमायूं जी उसी टाइप के व्यक्ति थे, पापा ने जीत के तो इनको दे दिया, अब ये पलायनवादी होने लगे। और ऐसे मैंने देखे हैं कैसे यूथ, एक बड़ी संख्या में यूथ है जो जब दायित्व उसके सामने है कुछ करने का, कुछ कंपटीशन में निकालने का, कुछ करियर बनाने का, उसी समय वो आध्यात्मिक होने लगता है। अध्यात्म भगड़ों के लिए नहीं, अध्यात्म उनके लिए है जो जीवन की चुनौतियों को टैक्टफुल्ली, स्किलफुल्ली और जूझता है, उसका सामना करता है, उसके लिए अध्यात्म। अध्यात्म अपग्रेडेशन है, अलायन नहीं है, एस्केपिज्म नहीं है। इसलिए ऐसे अध्यात्म से बचिए, वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि सब मिथ्या है, माया है, ये है, वो है, आप भी वही शुरू कर देंगे तो गए काम से। अब UGC नेट भी मिथ्या है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, पैसा नहीं रहेगा, किताब कहाँ से खरीदोगे, पढ़ोगे कहाँ से, ठीक है। नहीं, कोशी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है, कोशी नदी में बहुत बाढ़ आती है, कर्मनाशा अलग है, कोशी अलग है। और कर्मनाशा वो कहानी सुनी ना, वो विश्वामित्र जी ने अजामिल को डायरेक्ट शरीर भेज दिया स्वर्ग, ऊपर से ब्रह्मा जी ने डायरी चेक किया तो कहा कि इसका तो अभी टाइम ही नहीं, नरक गामी, तो स्वर्ग कैसे आ गया, ब्रह्मा जी ने उधर से फेंक दिया वापस। और इधर अपने तप के बल पे विश्वामित्र ने उसको रोक दिया, बीच में जमीन पे नहीं आना, वो कहते हैं स्वर्ग में नहीं आना, उल्टा लटक गया, उसके मुंह से लार निकली है। अब उल्टा लटकोगे तो मुंह से लार ही निकलेगा, उल्टा लटक के देखो किसी दिन, उस लार से कर्मनाशा नदी बही, त्रिशंकु नाम था उसका, त्रिशंकु। तो बीच में जब अटकने की बात होती है तो हम कहते हैं, सुने जाता ना कि त्रिशंकु की तरह अटक गए। इन युद्धों से आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, तो इनके बस डेट याद कर लो, किसी किसके बीच और लड़ा था, जीता कौन। हुमायूं राजनीतिक घोलों के लिए प्रसिद्ध है, उसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया।
बी कहा मैंने, ए लगाया। ये हुमायूं के चांदी के सिक्के हैं। तो इसके बाद हुमायूं के पास एक ही सहारा बचा, वो थे इसके नलायक भाई। भाइयों से बड़ी उम्मीद थी, भाइयों के पास गया, हिंदाल के पास पहुंचा। हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर। मीर अली अकबर की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। इसी निर्वासन में भागते हुए समय इसने इनसे शादी कर ली, गुरु की बेटी से। अब इसके आगे कहानी हम कल करेंगे। तो इस सत्र को आज यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं 9 बजे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास में, ठीक है। और ये फाइनल लेटर बोर्ड है। शानवी फर्स्ट, एकता सेकंड, मलयजो थर्ड, माधुरी, कविता, करणवीर, चंचल, नेहा, सात्विक, सृष्टि, सभी को बाय बाय।